अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, BCCI, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ। मोहम्मद शमी एक ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर जिनकी परफॉर्मेंस हम रिसेंटली वर्ल्ड कप में देख रहे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस ने सामने वाले जितने भी टीम है सबकी कमर तोड़ी है। आज वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट उनकी लाइफ में ऐसी काफी सारी चीजें चल रही है जिनके कारण वो एक समय पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और परेशान हो गए थे, बट आज वो इतना अच्छा कमबैक किए हैं। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण शमी बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, परेशान थे, एक समय पर रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे, आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वीडियो। 2018 में मोहम्मद शमी की वाइफ उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाती है, उनके ऊपर केस करती है कि शमी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके अवैध संबंध है, और एक और बड़ा इल्जाम लगाती है जो था कि शमी मैच फिक्सिंग करते हैं। शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ घरेलू हिंसा या शमी के धोखा देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि हसीन के कई आरोपों ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नियमों और सख्ती पर भी सवाल उठा दिए। इन सब चीजों को हमेशा शमी ने गलत बताया है और ये जब एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे तो उनको टीम से भी बाहर कर दिया गया था। उनको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, मीडिया उनके ऊपर पड़ गई थी और बहुत सारे उनको ट्रोल भी किया जा रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते थे और काफी सारे नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आते थे, जैसे कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जब लाइव गए थे तो उन्होंने बताया था। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आपको माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा, मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा। ये सब चीजें शमी के दिमाग में इतनी ज्यादा उनको खा रही थी कि उनको लग रहा था कि अब शायद उनका करियर खत्म हो गया और उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैं बहुत गुस्सा हूं मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाला। बट शमी के जो भी साथी संबंधी थे, जो भी लव्ड वंस थे, उनको हमेशा मोटिवेट किया कि और करे, इन सब चीजों से बाहर आए, हार्ड वर्क करे, और उन्होंने हार्ड वर्क करना चालू किया। वो डबल मेहनत करने लगे अपनी बॉलिंग में, अपनी हर चीज में वो डबल मेहनत करने लगे, दिन हो या रात उन सबको उन्होंने एक कर दिया और पूरी जान से अपने खेल पे फोकस करने लगे। टाइम के साथ साथ जितने भी आरोप उनकी वाइफ ने शमी के ऊपर लगाया था, BCCI ने उन पे क्लीन चिट दे दिया। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर मोहम्मद शमी से जुड़ी हुई है। फिर से भारत के लिए खेल सकेंगे मोहम्मद शमी। दरअसल BCCI ने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी है, अब मोहम्मद शमी फिर टीम इंडिया में खेल सकेंगे। और एक बार फिर से शमी की वापसी हुई क्रिकेट में। जब उनकी वापसी हुई ना तो IPL में उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था तो उनको ज्यादा मौके नहीं दिए गए, बट उनकी वापसी हुई 2019 के वर्ल्ड कप पे जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट शमी के लाइफ में जो दिक्कतें थी वो इतने जल्दी कहां खत्म होने वाली थी। 2021 में जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, उसमें शमी की इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं रही थी जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह लोग उनको बहुत कुछ बोल रहे थे, लोग उनको देशद्रोही बोल रहे थे, लोग उनको गद्दार बोल रहे थे। बट टीम ने, मैनेजमेंट ने हमेशा शमी का साथ दिया और उसके ऊपर अपना विश्वास जताया रखा और साथ में रखा। फिर आया 2022 का T20 वर्ल्ड कप जहां पे शमी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। फिर आया मैच इंग्लैंड के साथ जहां पे हमको बहुत बुरी हार को झेलना पड़ा था, जिसके बाद शमी को फिर से लोग ट्रोल करने लगे और एक बार फिर से सेलेक्टर जो हैं वो शमी को टीम से बाहर कर दिए। उन्होंने उमरान मलिक, अर्शदीप और भी बहुत सारे बॉलरों को ट्राई किया जो शमी की जगह ले सके। इसको देख के सबको और शमी को खुद को लग रहा था कि शायद अब उनको इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, बट उन्होंने हार नहीं मानी, अपना जो फोकस था वो रखे रहे, वर्क हार्ड करते रहे, अपनी बॉलिंग पे ध्यान देते रहे और 2023 वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया अपने बॉलिंग के साथ कि एक बार फिर सेलेक्टर सोचने लगे कि उनको टीम में रखा जाए और उनको टीम में रखा गया। शुरू में शमी को मौके नहीं मिले बट कुछ समय के बाद जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तब शमी को मौका मिला और जब उनको मौका मिला तो इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकारा और बहुत अच्छे से यूज किया। उन्होंने जितनी भी टीम के सामने परफॉर्म किया भाई उनके कमर ही तोड़ दिए, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो और आज भी सेमीफाइनल में देखो
सात विकेट लिए, सात विकेट। उन्होंने पूरी जान लगा दी अपनी बॉलिंग में और टीम को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। जो बंदा पहले बेंच में बैठा रहता, सोचता रहता था कि कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसा होगा, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने अपना 100% दिया और उस अपॉर्चुनिटी को जाया होने नहीं दिया और वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट बंदे बन गए 50 विकेट वाले। लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड रही, डिप्रेस्ड रही, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, सब कुछ हुआ लाइफ में, बट उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और हार नहीं मानी। उनको खुद पे विश्वास था कि वो अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो कर भी रहे हैं आज, जो हम वर्ल्ड कप में देख भी रहे हैं। सो ये थी कहानी मोहम्मद शमी की, कि कैसे वो डिप्रेस से आज इतना अच्छा कमबैक किए हैं। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, पीस आउट।